तो भाई लोग फिर से आ गए हम एक और बेहतरीन एकदम नेक्स्ट लेवल वाली GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनएनसी गेम प्ले वीडियो में। भाई लोग पिछले वाली वीडियो में हमारे पास बहुत तगड़ा अटैक हो गया था भाई, हमें अपना घर छोड़ के भागना पड़ गया था एकदम से, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद में हमें लेस्टर ने एक और नया घर बताया था रहने के लिए टेम्परेली, और भाई अभी हम उसके अंदर रह रहे हैं और उसके अंदर मतलब हम बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं है। और अमेंडा ट्रेसी अभी हमारे साथ अलग हो चुकी हैं, उन्हें एक अलग सेफ जगह पे रहने के लिए भेज दिया गया है। और आज देखते हैं क्या होता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है भाई लोग। तो अभी अगला दिन शुरू हो गया है और भाई साहब बाहर देख रहे थे हम, ओ भाई कोनिसक अगेरा 1:1 भेजी आज सिमियोन ने हमारे लिए, नाइस भाई। मैं इसके बारे में तो बताता हूँ, तो बड़ी बेहतरीन कार है ये, देखो भाई साहब क्या लग रही है अंदर से भी, और क्या कहते हैं भाई बाहर से ऐसी है, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊँ इसके बारे में भाई, बड़ी तगड़ी सुपर कार है ये जो है, कोनिसक 1:1 भी कहलाती है, क्योंकि ये जो है भाई ऐसी पहली गाड़ी थी जिसके अंदर हॉर्स पावर और वेट दोनों बराबर थे, मतलब इन दोनों का रेशियो जो था वो 1:1 था। जिस टाइम पर लॉन्च हुई थी उस टाइम पर इसकी टॉप स्पीड भी सबसे ज़्यादा थी, अभी तो इससे भी ज़्यादा तेज कार आ चुकी है मार्केट में, ठीक है। तो भाई साहब मैंने भी अपना फेस कैम थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया जिससे कि तुम्हें इसकी टॉप स्पीड आराम से दिख पाए, क्योंकि बहुत तेज़ भागती है, मैं तो तुम्हें बता नहीं पाने का इसकी टॉप स्पीड, देखो यार रुकती भी कितनी देर, भाई बहुत तेज़ भागती है यार ये, एकदम कंट्रोल के भाग जाती है भाई, ये एकदम सही सा लंबा एकदम सीधा सीधा हाईवे है, तो इसमें भाग के देखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसे ठोकूँ ना, फिर भी ठुकती है तो, और यहाँ ट्रक के बाजू से निकल गई, ये ठुक गई भाई, ये भाई सुपर कार है और इनकी टॉप स्पीड टेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है भाई लोग। तो एक शेख का बहुत हाई प्रोफाइल गार्ड है, उसका टारगेट मिला है मैं, ठीक है, वो जो सामने गाड़ी का काफिला जा रहा है ना इसके अंदर है वो बंदा, तो हम क्या है उसे ठोक के और भाग सकते हैं आराम से इन गाड़ियों से, ये इतनी फास्ट गाड़ी नहीं है। अगर तेरे पास स्पोर्ट्स कार है तो बेटा मेरे पास भी सुपर कार है, ओडी R8 बैठा जा रहा है मुन्ना, ले भाई मार दिया, ठीक है। तो भाई लोग अभी हम एक हिट करने जा रहे हैं और हम हाईवे पे हैं, और मैंने जो है अपना फेस कैम हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे तकड़ा से स्पीड टेस्ट हो जाएगा इसका, कोनिसक अगेरा 1:1 का, और यहाँ पे आएगी भाई इसकी बढ़िया सी टॉप स्पीड निकल गए, ठीक है। मैं सीधा ले जा रहा हूँ और ये हवा की ऊंचाइयों में भाई बिल्डिंग बिल्डिंग पा गए, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ओ भाई वहां से कहीं से आया था मैं भाई, उड़ता उड़ता पहुंचा हूँ यहाँ पे, गुड बाय सर, हैव अ नाइस डे। ये भाई साहब एजेंट का वो था हिटमैन, मतलब एजेंट का हिटमैन बोल रहा हूँ, शेख का हिटमैन था भाई साहब ये, जिसे अभी अभी हमने ठोका है हिटमैन वाले तरीके से, ठीक है भाई लोग। तो आज हमारे पास लेस्टर का फ़ोन आया था, और मतलब फ़ोन तो नहीं आया था बेसिकली, उसने एक बंदा था होटल में काम करने वाला, उसके थ्रू एक मैसेज भिजवाया था, एक चिट्ठी भिजवाई थी बेसिकली, और उस चिट्ठी में लिखा था कि उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी उस मामले पे जो हमारे घर पे अटैक हुआ था, और उसे ये पता लगा कि जो DSP था ना जिसके लौंडे से ट्रेसी का मैटर हुआ था, उसने ट्रेसी के साथ भाई फालतू बोला था, हमने उसकी कुटाई कर दी थी, उस DSP ने भाई हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी शेख को, और भाई साहब फिर क्या कहते हैं शेख ने इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के भाई हमारे ऊपर हमला करा दिया था। लेस्टर ने कहा है कि आज तुम अपनी जॉब पे मत जाना, आज तुम पहले तो शेख की पूरी फैमिली को एलिमिनेट करना, और उसके बाद में भाई शेख को उठाना है शाम के टाइम। तो भाई अभी क्या कहते हैं चलते हैं शेख की फैमिली को एलिमिनेट करने, और भाई उसकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है उसकी फैमिली में, बस दो मतलब इन टोटल 3 लोग हैं वो, एक तो DSP खुद है और एक DSP का लौंडा है जिसने ट्रेसी के साथ मैटर करा था, और एक भाई उसकी माँ है जिसने मैटर करा था उसकी, है ना। पहले उसके DSP के घर ही जाना है हमें, उसके पूरी फैमिली को एलिमिनेट करने, उसके बाद में शाम को लेस्टर एक लोकेशन बताएगा वहाँ पे जाके हमें DSP को एलिमिनेट करना है भाई। अभी जो सिमियोन ने हमारे लिए भेजी है एस्ट्रॉन मार्टिन वलहाला, ये भाई एस्ट्रॉन मार्टिन पे पता होगा बड़ी बेहतरीन सी कंपनी है, उसकी फास्टेस्ट कार है एस्ट्रॉन मार्टिन वलहाला, इसके अंदर है ट्विन टर्बो चार्ज V8, और भाई इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो यहाँ पे है, देखो भाई जहाँ पे हरा हरा हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों एग्जॉस्ट हैं इसके गाड़ी के, और भाई साहब इसमें जो एग्जॉस्ट हैं कुछ इस तरह से लगा रखे हैं, वैसे तो गाड़ी में पीछे होते हैं तो पता ही है कहाँ यहाँ होते हैं एग्जॉस्ट, लेकिन यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट नहीं है, इसका एग्जॉस्ट यहाँ लगा रखे हैं ऊपर, और क्योंकि ये जो है ये हाइब्रिड कार है, हाइब्रिड का मतलब है कि या तो हम इसे ट्विन टर्बो चार्ज V8 से चला सकते हैं पेट्रोल का यूज़ करके, नहीं तो हम इसका चार्ज करके बैटरी और मोटर का यूज़ करके चला सकते हैं, इसकी वजह से क्या है दोनों का फ़ायदा उठा पाती है, मतलब लॉन्ग रन में काफ़ी तेज भी स्पीड पकड़ लेती है
और साथ के साथ ये क्विकली एक्सलेट भी कर पाती है अपने मोटर की वजह से। और चाहे तो हम इसे एक चीज़ के ऊपर ही चला सकते हैं, अगर मतलब दोनों चीज़ के ऊपर चलाएं तो होगा ऐसा और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होगी, लेकिन हम चाहें तो एक चीज़ के ऊपर ही चला सकते हैं। मान लो कहीं पे हमें जाना है, ठीक है, तो हम घर से चार जगह चल सकते हैं गाड़ी को, मस्त बैटरी पे चलेगी। लेकिन मान लो रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएंगे, इंजन के ऊपर चलाएंगे, उस इंजन के मूवमेंट से बैटरी चार्ज होगी और फिर बैटरी के ऊपर चला सकते हैं हम। वैसे कॉनिसैक 1:1 जितनी तो एक्सलेट नहीं कर रही, एकदम से झूप करके तो नहीं भाग रही है ना, क्योंकि ये भले हाइब्रिड हो लेकिन इसके अंदर पावर और वेट का इतना अच्छा बैलेंस नहीं है। ओए देखो भाई आवाज़ इसमें बड़ी ख़तरनाक सी, ऐसा झूप करके भाग रही है ना। और एक बार तुम्हें इसके वो सुनाता हूँ भाई, धुआं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई आग देख रहे हो, एग्जॉस्ट से निकल रही है। ये देखो भाई साहब और क्या चाहिए। और वैसे अगर मैं तुम्हें भाई इसका इंटीरियर दिखाऊँ एक बार, तो एक बार इसका इंटीरियर भी देख लो चलते चलते भाई। ये देखो भाई साहब इंटीरियर बोलते भाई, क्लासिक इंटीरियर है एकदम। और इसमें जगह भी एक ही बंदे के बैठने की है, नहीं दो की, एक की है, हाँ दो की जगह है इसके अंदर। और एक बार भाई साहब 180 डिग्री ड्रिफ्ट मार दी भाई, ड्रिफ्ट क्या बढ़िया मार रही है ये। और ये भाई 180 डिग्री मार दी भाई साहब, सर्कल में मार रही है गाड़ी ड्रिफ्ट। ओ भाई काफ़ी तकड़ी गाड़ी है, एक और ड्रिफ्ट हो जाए। और ये भाई साहब उल्टी होके वापिस सीधी होगी गाड़ी। भाई, भाई 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 इसके लिए तो यार लाइक बनता है, क्या बात है। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पे जहाँ पे डीएसपी का घर है। यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सिक्योरिटी का देखते हैं, दो गार्ड खड़े हैं यहाँ पे, पुलिस वाले बंदे हैं ये दो हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाते हैं बाजू में, इनसे नज़र सी बचा के, बस इन्हें लगना ही चाहिए कि भाई हम कुछ गड़बड़ करने आए यहाँ पे। ठीक है भाई साहब यहाँ आ चुके हैं हम, इस जगह पे हम हैं और यहाँ पे गार्ड हैं दोनों के दोनों, ये दोनों भी सामने देख रहे हैं, तो इससे इनका हमारे पे ध्यान नहीं जाने का। तो अगर इन्हें पटापट करके एकदम से धप धप करके मार देंगे तो आसानी से इन्हें हेडशॉट दे पाएंगे और ये कोई शोर भी नहीं मचाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल अलर्ट नहीं होने देना यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे कुछ कांड भी हुआ है, कुछ बात है। तो ये एक के लगाओ भाई, इससे पहले से कुछ पटा लेगा, ये ले बैठा दूसरा हेडशॉट भाई, दोनों भटका दिए। और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं हुई हमारी गन की, जिससे कि इन्हें कुछ खास पता लगे, क्योंकि भाई हमने सप्रेसर लगा रखा अपनी गन के ऊपर। ठीक है ये लौंडा तो भाई डिप्रेशन से बैठा है, ठीक है। और ये भाई अस्पताल से तो आ गया लेकिन हालत से अभी भी काफ़ी खस्ता है। और ये है उसकी लौंडे की माँ, तो पहले तूले पट से हेडशॉट और अब तू दे। ठीक है तो भाई लोग अभी हमें एजेंट का फ़ोन आया था, एजेंट 47 का, क्योंकि लेस्टर जो है वो हमारे से डायरेक्ट तो बात करता नहीं है ना, और क्या कहते हैं वो ऐसे ही एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू बात करता है। तो भाई अभी हमारे पास एजेंट 47 का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि तुम्हें अभी थाने के बाहर जाना है और तुम्हें वहाँ से उठाना है डीएसपी को, और हमें भाई जो है स्वेट की यूनिफॉर्म पहन लेनी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी हमने स्वेट की यूनिफॉर्म पहन रखी है, ये देखो भाई ये जो गाड़ी है ना ये भी हमें इसलिए मिली डीएसपी को उठाने की वजह से। ये जो है शेख की गाड़ी है, लेकिन जो डीएसपी है वो कल रात को इसकी गाड़ी से आया था अपने घर, तो इसलिए हमें शक हुआ कि हो सकता है डीएसपी का कुछ हाथ हो हमारे ऊपर हमला करवाने में, इसने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हो। और इसी चीज़ को पता करने के लिए हमें क्या करना है, डीएसपी को उठाना है अभी, और हमें ऐसा भी शक है कि डीएसपी को हो सकता है शेख के बारे में भी कुछ पता हो, तो ये इसलिए भी डीएसपी हमारे काम आ सकता है। तो हमें क्या करना है अभी, इस वाली गाड़ी को लेकर थाने जाना है। एजेंट 47 जो है अपने बंदों को बोल के थाने पे हमला करवा देगा और वो लोग जो है डीएसपी की गाड़ी फोड़ देंगे, जो डीएसपी का पर्सनल व्हीकल है, जिससे कि डीएसपी वहाँ से भाग ना पाए। और फिर क्या कहते हैं, हम ये गाड़ी लेके और स्वेट की यूनिफॉर्म पहन के पहुंचेंगे थाने के बाहर, तो डीएसपी को लगेगा कि जैसे शेख ने उसे बुलवाया हो। तो फिर क्या है, डीएसपी भाई विश्वास करके हमारे पास आ जाएगा और हमारी गाड़ी में बैठ जाएगा, और हम क्या कहते हैं इसे गाड़ी के अंदर बिठा के और लेस्टर के पास छोड़ आएंगे डीएसपी को। और फिर भाई लेस्टर इसकी कुटाई उटाई करेगा, इससे पूछताछ करेगा, जो करना होगा लेस्टर देखेगा, हमारा काम तो बस इतना ही है लेस्टर तक पहुँचाना। तो चलते हैं फटाफट थाने और देखते हैं क्या सीन। ठीक है तो भाई लोग यहीं से हमें गोलियों की आवाज़ आने लग रही है। ठीक है थाने पे हमला कर दिया उन बंदों ने, और ओ भाई हाँ तो बम भी फूटने लग रहे काफ़ी सारे। ठीक है भाई डीएसपी भी आ गए हैं भाग के, इससे कहते हैं गाड़ी में बैठने के लिए। ठीक है भाई साहब डीएसपी आ चुका है अपने साथ में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार फर्स्ट पर्सन करके। ये रहा भाई डीएसपी, ठीक है, और इसे ले कर चलते हैं फटाफट लेस्टर के पास। हमने कह दिया कि शेख ने तुम्हें बुलाया है, ठीक है, और हम तुम्हें शेख के पास ले जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब हम डीएसपी को लेकर आ गए लेस्टर के बताए हुए इलाके पे, और यहीं लाने के लिए कहा था लेस्टर ने इसे।
यहाँ पे इस वाली गली के अंदर, यहाँ पे हमें छोड़ना है इसे, यहाँ से लेस्टर उठा लेगा। और ये DSP कहता था कि भाई तुम ये सस्ते से ला के मैं ऐसी जगह क्यों लेके जा रहे हो मुझे, और जो शेख है वो तो महंगी जगह पे रहता है। तो हमने कहा कि अभी तेरी जान को खतरा है, इसे शेख ने यहीं लाने के लिए कहा है, ठीक है। और यहाँ पे खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी कि भाई शेख की गाड़ी है और अपने साथ रखना सुरक्षित नहीं है। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में पसंद आएगा, तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो तुम्हें पता है क्या करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के एकदम हो जाए चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में हर बार की तरह, ठीक है।